नमस्कार, आप देख रहे लोकतंत्र, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आधी आबादी की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में ये तो महिलाएं यौन उत्पीड़न का शिकार बनती ही जा रही हैं, ये जग जाहिर है। लेकिन हालात कितने संगीन हैं ये सरकार के आंकड़े खुद ही बयां करते हैं। देश में 18 से 30 साल तक की महिलाएं रेप की सबसे ज्यादा शिकार बन रही है और ऐसी महिलाओं की संख्या करीब 46.1% है। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि 2013 में रेप की शिकार 10 से 18 साल तक की लड़कियों की संख्या 34.7% है और ऐसे में तमाम आंकड़े पेश किए गए जो समाज के कैंसर को उकेरता है। सरकार भले ही दावा करे कि अब ज्यादा केसेस दर्ज हो रही हैं, लेकिन ये अपराध थमने के संकेत बिल्कुल नहीं है। सरकार को पुलिस को तत्परता के साथ ही आगे बढ़ाने की जरूरत है और ज्यादा तत्पर बनाने की जरूरत है। पुलिस को संवेदनशील भी बनना होगा, समाज को खुद के गिरेबान में भी झांकना होगा, तभी आधी आबादी महफूज रहेगी। घर की चार दीवारी के अंदर या उसके बाहर महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। महिला यौन उत्पीड़न के केस लगातार सुर्खियां बनाते हैं। तमाम कानून होने के बावजूद आधी आबादी यौन उत्पीड़न और यौन हिंसा की शिकार है। कहीं अपने आबरू लूटते हैं तो कहीं पराए, क्या घर क्या दफ्तर और क्या रेल बस बाजार, कहीं भी कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। NCRB के आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर घंटे 49 महिलाओं की इज्जत, हर घंटे औसतन 82 हत्याएं हो रही है। NCRB डेटा के मुताबिक 2021 में हर घंटे महिलाओं के खिलाफ 49 अपराध और प्रतिदिन औसतन 86 दुराचार के मामले दर्ज किए गए। वर्ष के दौरान हर एक घंटे में 11 से अधिक अपहरण होते हैं। 2021 में एसिड अटैक के 102 मामले दर्ज किए गए थे। यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ा है, साथ ही किडनैपिंग और बच्चों के साथ भी अपराध बढ़ा है। प्रदेश में हर दिन 153 महिलाएं छेड़खानी, रेप और पिटाई का सामना करती हैं। वहीं सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने NCRB डाटा का अध्ययन करके महिलाओं पर विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न के जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं वो चौंकाने वाले हैं। इस रिपोर्ट में 2016 से 2021 के बीच महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार और हिंसा के आंकड़े जुटाए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार देश में महिलाओं के विरुद्ध अपराध की 22.8 लाख घटनाएं दर्ज की गई है और इनमें से 7 लाख घटनाएं घरेलू हिंसा से संबंधित थी, यानी 30% मामले पति और उसके परिवार द्वारा हिंसा के थे। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न विशाखा दिशा निर्देश जैसे विभिन्न कानून लागू है। दुर्भाग्य से ये कानून महिलाओं की रक्षा करने और दोषियों को दंडित करने में विफल रहे हैं, यहाँ तक कि कानून में कई खामियां हैं। उधर केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि पिछले 5 सालों में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के तहत महिलाओं के खिलाफ अपराध के लगभग 1 करोड़ मामले दर्ज किए गए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने कहा कि अपराध कानून संशोधन अधिनियम 2018 में बलात्कार के मामलों में 2 महीने में जांच पूरी करने और चार्जशीट दायर करने का आदेश दिया गया और CRPC की धारा 173 के तहत 2 महीने में परीक्षण भी पूरा किया जाना है। केस दर्ज होने का मतलब ये है कि पीड़ित महिलाएं ज्यादा जागरूक हो गई हैं। जरूरत है और भी तत्पर पुलिसिया कार्रवाई की, जिससे कि महिलाओं के प्रति अपराध पर लगाम लगे, साथ में कानूनों के जमीनी क्रियान्वयन पर भी जोर रहे, तभी महफूज रह पाएगी आधी आबादी। ब्यूरो रिपोर्ट।
तो आखिर क्या वजह है कि महिलाएं महफूज नहीं हैं? आधी आबादी को महफूजियत उनको प्रदान करने की तमाम बातें कही जाती है, तमाम कानून है, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर क्या वजह है कि हर घंटे 49 महिलाओं की इज्जत तार तार हो रही है, हर घंटे औसतन 82 हत्याएं हो रही है? आखिर इसके पीछे की वजह को आज हम टटोलने की कोशिश करेंगे। इस वक्त इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ मीना व्यास जी हैं, मीना व्यास पटेल सामाजिक कार्यकर्ता है, बहुत स्वागत है मीना जी आपका। डॉक्टर स्वाति जिंदल इस वक्त हमारे साथ है, अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट की। स्वाति जी आपका बहुत स्वागत है। जीएस अवाना जी इस वक्त हमारे साथ है, पूर्व आईपीएस है, आपका बहुत स्वागत है अवाना साहब। और अंशु राजपूत जी हमारे साथ है, एसिड अटैक पीड़िता ही, आपका भी बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ। सीधा सबसे पहला सवाल मेरा अंशु जी आपसे ही है। अंशु, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं, महिलाओं की महफूजियत की तमाम बातें कही जाती है, लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े डराते भी हैं और चौंकाते भी हैं, कैसे इसे देखती हैं आप? हम लोग आए दिन देखते हैं कि एक छोटी बच्ची के साथ, एक 5 साल की बच्ची के साथ एसिड अटैक हो जाता है, और हम लोग देखते हैं कि मतलब बड़े लोगों को तो ये कहते हैं कि इसकी ही कोई गलती रही होगी इसलिए इसके ऊपर एसिड अटैक हुआ है, लेकिन एक छोटी बच्ची के साथ, एक 3 साल की बच्ची के साथ एसिड अटैक हो जाता है उसकी क्या गलती रहती है? ऐसे में जो मतलब हमारी गवर्नमेंट होती है या हमारे जो शासन प्रशासन होता है ऐसे में वो भी कोई कदम नहीं उठाता है, तो अगर वो हम लोगों के खिलाफ या एसिड के खिलाफ कुछ कर पाए तो कहीं ना कहीं ये जो एसिड अटैक के क्राइम है ये बंद हो जाएंगे। बिल्कुल, गवर्नमेंट इसके लिए कई बार कदम उठाने की बात करती है और कई कदम उसके बाद उठाए भी गए, लेकिन उसके बावजूद भी नतीजा वही ढाक के 3 पात है। जीएस अवाना साहब, ऐसे जब मामले सामने आते हैं और ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं एनसीआरबी के आंकड़े, ये कहते हैं कि हर घंटे 49 महिलाओं की इज्जत तार तार होती है, देश में हर घंटे औसतन 82 हत्याएं हो रही है, कहां पर आखिर पुलिस की नाकामी है, कहां पर आपको लगता है कि लू पॉइंट्स हैं, कहां पर आपको लगता है कि दिक्कतें हैं जिन दिक्कतों को दूर करने की फौरी तौर पर जरूरत है? देखिए, ये तो ये बात सही है कि महिलाओं का उत्पीड़न ज्यादा है, उनके खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं वो ज्यादा है। पर इसका दूसरा भी पक्ष है जिसको समझने की आवश्यकता है। अगर हम रेप को लें और रेप में देखें तो 80% के करीब जो दोषी होते हैं, जो इसमें अपराधी होते हैं, वो फैमिली मेंबर या नॉन आदमी होते हैं जो उस परिवार के परिचित होते हैं, इनके द्वारा ये किया जाता है। पुलिस के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ऐसे लोग जो परिवार के साथ जुड़े हुए हैं या परिवार के सदस्य हैं, उनके ऊपर क्या निगरानी की जाए और कैसे की जाए, ये एक समस्या है। तो इसमें परिवार को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, जो लोग हैं, बच्चा अगर कुछ थोड़ी सी बात कह रहा है तो उसकी बात को गौर करनी चाहिए। कई बार हम करते हैं क्या कि बच्चा कह रहा है तो हम उसको डांट लेते हैं, कुछ छोटी बात कहना चाहता है उसको सुनते नहीं। तो ये जो चीजें हैं ये बड़ा बाद में दुखी करती है। तो बच्चे की बात सुननी चाहिए, अपने बच्चे को किसी रिश्तेदार, किसी के पास अकेला नहीं छोड़े, हमेशा बच्चा आपका इस साथ होना चाहिए, क्योंकि इस तरह की जो चीजें हैं उन पे लगाम लगाना थोड़ा मुश्किल है। जो दूसरे तरह की चीजें हैं उसमें जो निगरानी है उसकी बढ़ोतरी करनी चाहिए, खासतौर पे जो स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं या ऐसी जगह है जहां पे महिलाएं ज्यादा जाती हैं, लड़कियां हमारी बच्चियां ज्यादा जाती हैं, तो वहां पे पुलिस की सर्वेलेंस बढ़नी चाहिए। और अभी एक अच्छी खबर ये है कि पुलिस में महिलाओं की भागीदारी
बढ़ रही है, जो कभी 3% के करीब होती थी, मैं दिल्ली पुलिस का बताता हूँ आपको, आज की तारीख में वो बढ़कर 14% हो गई महिलाओं की भागीदारी। और हम डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, जो स्कूल है कॉलेज है उसमें महिलाओं जो अधिकारी है पुलिस अधिकारी, क्योंकि वो ज्यादा सेंसिटिव है, वो इन मुद्दों को ज्यादा अच्छे ढंग से समझ गए। क्योंकि अभी एक नया नियम आया है, अभी 2015 में, उसमें कैबिनेट ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि जितनी भी वैकेंसी निकलेंगी पुलिस में वो उसका 30% महिलाओं की ही भर्ती हो, चाहे वैकेंसी है या नहीं है उनकी। ठीक बात है, होनी भी चाहिए, क्योंकि सरकार अगर इस तरह का कोई कदम उठाती है तो उससे उम्मीद की जाती है कि समाज में सुधार होगा। लेकिन सर सवाल इस बात को लेकर है कि देश में अभी तो हम बच्चों की बात कर रहे हैं कि देखिए बच्चों की बातों को सुनना चाहिए, बच्चियां अगर कुछ कहे तो उसको समझना चाहिए कि वो क्या कहना चाहती है, उसकी मानसिकता क्या है, और आखिर कोई दिक्कत तो उसके साथ नहीं हो रही है। बिल्कुल सही बात आपने कही। लेकिन सर ये जो देश में 18 से 30 साल तक की महिलाएं हैं, ये रेप का सबसे ज्यादा शिकार बन रही हैं, इसे आखिर किस तरह से देखें? अब इसे क्या ये कहते हुए हम रफा दफा कर दें, या इसको ये कहते हुए हम आगे बढ़ा दें कि नहीं जी ये तो बच्चों का मामला है या फिर उसे सुनना चाहिए? तो 18 से 30 साल तक की महिलाएं हैं सर, ये तो ऐसी महिलाएं हैं जो समझदार हैं और अपनी उम्र के साथ आगे बढ़ भी रही हैं और समझती हैं 18 से 30 साल तक की महिलाएं तमाम चीजें। लेकिन उसके साथ साथ पुलिस की भूमिका की मैं समझना चाहूंगी सर यहाँ पर, क्योंकि बाहर ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ घर में ही रेप होते हैं, रिश्तेदारी करते हैं, बाहर का भी तो ये मामला होता है, तो उसमें पुलिस की क्या भूमिका रहती है जब पीड़ित जाते हैं पुलिस स्टेशन और ये कहते हैं कि जी रिपोर्ट लिखवानी है, तो वहां से रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, तो इस तरह का जब सिचुएशन आती है तो वो दिक्कतों को कितना ज्यादा बढ़ाती है? देखिए ये जो निर्भय केस हुआ उसके बाद जो डायरेक्शन चाहिए कोर्ट की, और या ये हो नहीं सकता कि कोई महिला रिपोर्ट लिखवाना चाहे और उसकी रिपोर्ट ना लिखी जाए जो इससे संबंधित है। आज की तारीख की मैं बात बता रहा हूँ और ये स्पष्ट आदेश है, उससे आप कुछ भी जो अपनी मर्जी से कोई सबूत देना चाहे तो दे, आप जबरदस्ती नहीं करेंगे, कोई मेडिकल नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तुरंत दर्ज करेंगे और ये होता है। तो उस तरह की अभी दिक्कतें उतनी नहीं है, कभी रही होंगी, अब नहीं है, ठीक है, तो तुरंत होता है और चालान भी होते हैं। और अब जैसे आपने बीवी एक्ट वगैरह है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, तो उसमें भी बहुत मुकदमे दर्ज होते हैं, एक ही उसके 498 ई भी होता है, बीवी एक्ट में भी होता है, उसके अलावा डोरी एक्ट भी लगाते हैं, दो दो तीन तीन मुकदमे होते हैं। और जो बीवी एक्ट का प्रोविजन है उसमें तो सीधा कोर्ट में हो जाते हैं, क्रिमिनल क्रिमिनल पर वो सीधा कोर्ट में दर्ज करा सकते हैं और कोर्ट में दर्ज हो रहे हैं, ठीक है। आजकल इतना मुखर है और महिलाएं इतना अब आगे आ रही है कि वो जागरूक भी हुई है, ये अच्छा ट्रेंड है, इसको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर रोग को दबा के रखोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि रोग नहीं है, ठीक है, ठीक है सर, आप बने रहिए हमारे साथ। मीना व्यास जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मीना जी आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, क्या वाकई ऐसा है कि जब महिलाएं रिपोर्ट दर्ज करवाने या फिर उनके परिजन जाते हैं तो क्या रिपोर्ट दर्ज होती है, क्या उसमें दिक्कतें नहीं आती है, क्या जो पीड़ित महिलाएं हैं वो इस तरह की दिक्कतों का शिकार नहीं होती कि पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही है? देखिए नमस्कार, मैं कहना चाहूंगी कि जितनी भी रिपोर्ट्स होती है जब महिला आगे आती है तो रिपोर्ट दर्ज होती ही है। हाँ कुछ जगह पे ऐसा होता है कि कहीं पे कम्युनिकेशन गैप हो गया है या कहीं पे किसी महिला के साथ जो भी हुआ है उसके लिए क्वेश्चन आंसर होता है, ये बात पुरानी हो चुकी है। मैंने जहाँ जिसके साथ काम किया है वहाँ पे हर महिला के साथ मेरा कम्युनिकेशन हुआ है, जहाँ पे हुआ है घटनाएं घटी है,
तो महिला जब जाती है तो यहाँ पे और भी फोन पे भी होता है, मेल पे भी कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस ओपन है जहाँ पे आप अपना FIR करा सकती हैं और आप अपना नाम भी छुपा सकती हैं। तो ये सारी चीजें, ये प्रावधान तो है ही, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि महिलाएं जो है, जो भी घटनाएं घटती है, महिला की सशक्तिकरण के लिए हम बहुत सारा काम करते हैं और महिला सशक्त हो भी रही है, लेकिन ये जो घटनाएं घटती है, क्राइम रेट जो बढ़ता है, उसमें एक मैं एक मनोचिकित्सक के हिसाब से भी कहना चाहूंगी कि जहाँ पे अंदर से जो आवाज आनी चाहिए, मतलब कि जो ऑफिस में होता है, जो छोटी बच्चियों पे होता है, जैसे स्कूल बस में हुआ, ये हुआ, तो हमारे घर, हमारी समाज की ही मानसिकता कभी ऐसी होती है कि चुप रहो, कुछ मत बोलो, लोग क्या कहेंगे। तो यहाँ से ये जो दबाव है, समाज का जो प्रेशर है, जो समाज का दबाव है, तो उसी की वजह से ना कहीं चीजें पुलिस स्टेशन तक जाती नहीं है। दूसरी बात, मैं आपसे ये स्टेट वाइज भी डिफरेंट, ये जो आपने आंख दिखाए हैं, बताए हैं, उसके ऊपर भी मैं कहना चाहूंगी कि देखिए, हर स्टेट में अलग अलग आंख दिखेंगे आपको क्राइम रेट के, क्योंकि क्रिमिनल माइंड जो होता है उसको जो डर होना चाहिए वो डर नहीं है, उसी की वजह से ये चीजें आगे बढ़ती है। महिलाएं हैं, सशक्त है, लेकिन महिलाओं के लिए आगे आना और महिलाओं को आगे आना, ये चीजें, उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि क्रिमिनल जो है वो बहुत स्टडी करता है, जिस महिला के साथ घटना करनी है वहां पे वो लड़की का पीछा करेगा, वो लड़की के ऊपर पूरा स्टडी करेगा कि वो लड़की कहाँ जाती है, कहाँ आती जाती है, क्या कुछ करती है, तो वो जो क्रिमिनल है वो उसको पूरा प्लेटफॉर्म मिलता है तभी जाके वो करता है। तो इस हिसाब से हम लोगों को सरकार को और पुलिस की का जो डर होना चाहिए वो डर नहीं है, इसीलिए कई लड़के पान के गल्ले पे बैठेंगे, रास्ते पे सीटियां बजाएंगे, और मेरा खुद का भी आगे डिबेट में आगे भी मैं बात करना चाहूंगी, मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं बताना चाहूंगी। मैं दिल्ली आई हूँ जी, मैं वृंदावन भी गई हूँ, तो ये जो मेरे अलग अलग एक्सपीरियंस हुए हैं वो मैं शेयर करना बिल्कुल चाहूंगी, क्योंकि ये जो चीज है हम सारा पुलिस पे नहीं डाल सकते, हम सारी चीजें सरकार पे नहीं डाल सकते, हम ये जरूर चाहते हैं कि जो भी एक्शन लिया जाए वो स्ट्रॉन्ग लिया जाए, और बच्चियों पे नियंत्रण करने की जगह पे हमें क्रिमिनल को कंट्रोल करने की जरूरत है। लड़कों को घर के लड़का कब आया कब नहीं आया उसके ऊपर सवाल जवाब करने की जरूरत है, और उसको कंट्रोल करने के लिए उसको डर बैठना चाहिए कि मैं ये जो चीजें कर रहा हूँ, मुझे कल मैं इस तरह से फैमिली से भी बाहर हो जाऊंगा, सोसाइटी से बाहर, और अगर किसी ने कंप्लेन कर दी तो फिर मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो ये डर जो होना चाहिए वो डर नहीं है, सभी स्टेट वाइज अलग अलग आंख दिखेंगे कि मैं लौटती हूँ आपके पास फिर आऊंगी मीना जी। डॉक्टर स्वाति भी हमारे साथ है, डॉक्टर स्वाति जिंदल जो कि एडवोकेट है। डॉक्टर स्वाति, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि डर, जिस बात का जिक्र अभी मीना जी कर रही थी, ये डर इसलिए भी नहीं है क्योंकि पीड़िता को इंसाफ मिलते मिलते भी एक लंबा वक्त हो जाता है। निर्भया का मामला ही हमने देखा, हालांकि फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला तब ये कहा जा सकता है कि इंसाफ मिला, लेकिन ऐसे कई मामले हैं जिसमें जो ये साफ तौर पर जाहिर करते हैं कि इतना लंबा वक्त हो जाता है इंसाफ की आस में, जो पीड़िता है वो ऐसे ही परेशान हो जाती है, कोर्ट का दरवाजा खटखटाना और उसके बाद इंसाफ की लड़ाई लड़ना, ये बहुत दिक्कत वाला होता है, बहुत इंतजार करना पड़ता है। यही वजह है कि जो अपराधी हैं उनके जहन में डर नहीं रहता। देखिए नेहा जी, आपने बहुत ठीक बात कही है, अपराधियों के मन में डर बहुत जरूरी है। अब वो डर कैसे पैदा हो, कहीं ना कहीं हमारे जस्टिस सिस्टम में एक तरफ, क्योंकि मैं खुद एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ, मुझे अब इस बात को सुनकर बड़ी तकलीफ होती है जब लोग कहते हैं कि जुडिशरी कुछ नहीं कर रही या हमारा जस्टिस सिस्टम कुछ नहीं कर रहा। मैं उनको ये बताना चाहूंगी कि जिन लोगों को ये लगता है कि हमारी पुलिस या हमारे जुडिशरी कुछ कर नहीं रही, एक दिन वो किसी भी अदालत में जाकर देखें या एक दिन वो थाने में जाकर देखें, तब उनको रियलाइज होगा कि जुडिशरी और पुलिस दोनों ही बहुत मुस्तैद हैं। बट हम इस बात को झुठला नहीं सकते कि हमारे देश की पॉपुलेशन जो है वो इतनी है कि हमको ये मामले बहुत लगते हैं, बट अगर आप इनको पॉपुलेशन से मिलाएं तो उस हिसाब से
लोगों की तादाद ही इतनी है कि ये मामले जाहिर तौर पर ज्यादा होंगे। अब बात ये कि क्रिमिनल को डर क्यों नहीं लगता, डर इसलिए भी नहीं लगता कि जैसा आपने कहा कि ये जो क्रिमिनल रिड्रेसल सिस्टम है इसमें टाइम इतना लग जाता है जिसके कारण कहीं ना कहीं 10 साल 15 साल वो आदमी जो उसको शुरू में अपना ऑफेंस करने में जो भी उसने कांड किया उसको करने का उसका जो थोड़ा बहुत भी डर था या उस टाइम जब लोग इमोशनल थे उस पीड़िता का उस सर्वाइवर का सहारा बनते उसको सपोर्ट करते, जब वो बात गर्म गर्म होती है जिसे हम कहते हैं ना कि अभी तो गर्मा गर्मी में सब हो जाएगा, निर्भया के बाद भी अगर आप देखें जुवेनाइल जस्टिस में चेंज आए अमेंडमेंट आई जो कि मैं सोचती हूँ बहुत एक सही डायरेक्शन में थे हम, तो जब एक बच्चा जो 16 साल की उम्र से बड़ा है 18 साल की उम्र से नीचे है जब वो इतना हीनियस क्राइम कर सकता है जब उसको ये समझ है ये क्राइम करने की तो फिर उसका खामियाजा क्यों ना वो भुगते। तो चेंजेस आ रहे हैं जुडिशरी में लेकिन साथ ही साथ ह्यूमन राइट्स को ताक पर नहीं रख सकते हम। जो जस्टिस में डिले हो भी रहा है उसको हम ये नहीं कहेंगे डिले है क्योंकि दूसरी तरफ को अक्यूज्ड है उसको हम उसकी ह्यूमन राइट्स को भी देखेंगे उसको भी एक सही अपॉर्चुनिटी दी जाएगी अपने आप को डिफेंड करने में। अब अगर कहीं ना कहीं पब्लिक अगर विटनेसेस होस्टाइल हो रहे हैं या पब्लिक का सपोर्ट आगे नहीं आ पा रहा या जो विटनेसेस ऑन रिकॉर्ड थे वो मना कर रहे हैं कि आप नहीं हमें कुछ याद नहीं है या हम नहीं जानते क्या हुआ, ये सारी सिचुएशंस बहुत सारी चीजें हैं। कभी कभी पीड़िता ही अपने कदम वापस खींच लेती है, किस लिए वो खींच रही है इसमें भी बहुत चीजें हैं। हो सकता है उसके ऊपर मॉनिटरी प्रेशर डाला गया हो सकता है इमोशनल प्रेशर हो सोसाइटल प्रेशर हो उसके ऊपर या कहीं ना कहीं अपनी बेइज्जती उसको फील हो रही हो क्योंकि ये अभी भी इंडियन सोसाइटी में एक महिला जिसके साथ कोई दुष्कर्म हुआ है उसको जो सेंस ऑफ शेम है विक्टिम शेमिंग जो प्रोसेस अभी इंडिया में है वो अभी पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। बहुत सारी चीजें हैं जो मिला जुला कर क्रिमिनल की पनिशमेंट में या क्रिमिनल सिस्टम को डिले करने में हाथ बढ़ाती हैं अपना। तो ये कहना कि जुडिशरी में कमी है या पुलिस के एक्शन में कमी है या विक्टिम ही मैटर को परसू नहीं कर रहा या अक्यूज दबाव डाल रहा है सोनली हम किसी एक कारण को नहीं कह सकते, सभी चीजों का एक मिला जुला रूप है जो कि मैं इस बात के लिए बिल्कुल मुझे यकीन है इस बात का कि जैसे जैसे हमारी सोसाइटी आगे बढ़ रही है प्रॉपर चेंजेस हमारे लॉज में हो रहे हैं और अब जो हमें जरूरत है वो ये है कि उन लॉज की इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो। ठीक है बिल्कुल, तमाम जो कानून है वो मौजूद है लेकिन उसके बाद भी उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो जाहिर तौर पे वो ठीक से नहीं हो पा रहा है और ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। बड़ा रोड ब्लॉक है। बिल्कुल बिल्कुल, अंशु जी मैं आपका भी रुक करूंगी और आपसे भी समझने की कोशिश करूंगी कि दरअसल आपके साथ जो बीता उसमें क्या इंसाफ मिला और इंसाफ मिला तो उसमें कितना वक्त लगा, कहां कहां पे दिक्कतें आई। आज आधी आबादी की हो रही है, महिलाओं की महफूजियत की हो रही है और बात दरअसल हम ये कर रहे हैं कि सरकार क्योंकि सुरक्षा महिलाओं की सुरक्षा की तमाम बातें करती हैं तमाम वायदे किए जाते हैं लेकिन क्या धरातल पर वो तमाम चीज़ें दिखाई देती है, क्योंकि जो सरकारी आंकड़े निकल के सामने आते हैं वो तो ये बिल्कुल नहीं बताते हैं कि महिलाएं आज भी देश में महफूज है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं अंशु जी, क्योंकि मैं ब्रेक पे जाने से पहले जिस बात का जिक्र कर रही थी अब सवाल इसी बात को लेकर कि देखिए आपके साथ जो बीता उसके बाद आपको न्याय मिला क्या, अगर न्याय मिला तो उस न्याय को मिलने में कितना वक्त लगा, कहां कहां पे दिक्कतें आपको आई क्योंकि आपने खुद उसे फेस किया है जो एक तमाम और महिलाएं भी फेस कर रही है, जब पुलिस के पास जाती हैं तब क्या दिक्कतें आती है या तमाम जो पुलिस है वो मदद करती है आपको न्याय दिलाने में या उतनी मजबूती से वो चार्जशीट दायर किया जाता है, कहां कहां पे आपको दिक्कतें आई और कैसे आपने फेस किया थोड़ा बताइए अपने बारे में। मैम मैं एक बहुत ही ज्यादा मतलब रेयर गांव से बिलोंग करती हूँ और मेरे जो फैमिली में मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मतलब एजुकेटेड नहीं है, तो जब मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ तो मेरे पेरेंट्स को नहीं पता था कि किस तरीके से पुलिस से मदद मांगनी किस तरीके से जाना है, तो और आधी रात में मेरे ऊपर तेजाब पड़ा था, तो जब मेरे मम्मी पापा पहले मुझे पुलिस स्टेशन ही लेके गए तो मेरी एफआईआर दर्ज कराने में भी उन्होंने 4 से 5 घंटे लगा दिए थे और उसके बाद मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और उसके बाद मुझे किसी भी प्रकार का
पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दिया गया था और मेरा केस चल रहा था और मेरे 7 साल लग गए थे केस चलने में। और जबकि पूरा इंसिडेंट उनके सामने था और उनको दिख रहा था कि वो जो लड़की विक्टिम हुई है वो सामने है, उसके स्कार सामने है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे हर एक गेट पे कोर्ट में जाना पड़ता था। मेरे फेस पे बैंडेज लगे होते थे, मेरे हाथ में कैनुला लगे होते थे, लेकिन उसके बावजूद मुझे वहां पे डेट पे कोर्ट के जाना पड़ता था। उसके बावजूद जो वो मेरे अगेंस्ट जिन्होंने मेरे ऊपर इल्जाम डाला था, तो उनकी फैमिली मेरा कभी रास्ता रोक लेती थी। मेरे छोटे छोटे बहन भाई थे तो उनको डराया धमकाया जाता था। तो उस दौरान भी हम लोगों ने पुलिस से प्रोटेक्शन मांगा, लेकिन उस दौरान भी हमें पुलिस वालों ने कोई भी प्रकार का प्रोटेक्शन नहीं दिया। तो ऐसे में मतलब पूरे जो फैमिली के मेंबर्स थे सबको सफर करना पड़ा। भाई बहनों का बचपन कब निकल गया उनको नहीं पता चला, क्योंकि वो इतने डरे सहमे रहते थे। तो 7 साल लगे, 2014 में मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ और 2020 में मेरे केस में डिसीजन आया। लेकिन आप देखें कि मुझे जस्टिस पाने में 7 साल लगे, लेकिन कोर्ट ने उनको 1 साल भी नहीं लगने दिया और उनको बेल पे बाहर कर दिया। तो आप देखें कि एक लड़की को कितना कुछ फेस करना पड़ता है कि जस्टिस पाने के लिए उसको 7 साल लग जाते हैं, लेकिन कोर्ट एक बार में भी ये नहीं सोचता कि अगर उसको बाहर छोड़ते हैं तो इस बात की कौन गारंटी लेगा कि वो मेरे साथ ही किसी और लड़की के साथ वो फिर से ऐसा नहीं करेगा। जी डॉक्टर स्वाति जिंदल जी, ये केस जो है जैसे अंशु जी बता रही हैं कि उनके साथ क्या बीता, कह रहे 7 साल जस्टिस पाने में लग गए और 1 साल भी नहीं लगा जो अपराधी है वो बेल पे बाहर आ गया। देखिए नेहा जी, मैंने आपको जैसे बताया कि ह्यूमन राइट्स का जो मामला है, अगर हम देखते हैं, अगर हम जस्टिस एज अ प्रोसेस पूरा देखें, तो दो साइड्स होती हैं उसमें, एक विक्टिम और एक अक्यूज्ड। तो उसमें अगर अक्यूज्ड को सुने बिना हम विक्टिम की जो भी उसने कहा है उस बात को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं समझ सकती हूँ कि अंशु जी को कितना उस टाइम कितनी पीड़ा हुई होगी, सब सारी दुनिया जानती है। बट दोनों तरफ को सुनने में जो भी टाइम लगता है, कोर्ट ने जो टाइमलाइंस बना रखी हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बना रखे हैं, सभी कुछ है, बट कुछ ना कुछ इस दौरान ऐसा हो जाता है जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। और रही बात ये कि 1 साल में ही वो लोग बेल पे आ गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी गाइडलाइंस दी हैं काफी केसेस में, जिसके अंतर्गत अगर वो गाइडलाइंस, अगर वो मापदंड खड़े उतर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इट इज बेल एंड नॉट जेल। तो किस किस ग्राउंड पे उस टाइम, मेरे को ये इतना डिटेल नहीं मालूम कि क्या मेरिट थे इस केस के, किस ग्राउंड पे उन अक्यूज पर्सन को बेल दी गई। बट जब भी केस प्रेजेंट हुआ होगा कोर्ट के सामने, उसी बेसिस को देखते हुए कोर्ट ने बेल दी होगी, मैं ये अज्यूम करती हूँ। और अगर उस बेल के ऑर्डर के उसके चलते कोई दिक्कत थी विक्टिम को, तो उसमें मैं यही हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि उस बेल को अपोज करें और एक अपील फाइल करें। अच्छा डॉक्टर स्वाति जिंदल जी, ये बताइए कि किसी भी केस की मजबूती पुलिस की चार्जशीट पर कितना डिपेंड करती है? देखिए जो इनिशियल जो एक हमारे पास वेपन होता है, जैसे हम कहते हैं जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है, उसके बाद चार्जशीट देती है, उसका उसकी स्ट्रेंथ हम नहीं जुटा सकते, क्योंकि वही एक चार्जशीट है जो ये बताती है कि किस उनकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या क्या निकला और कौन से चार्जेस अक्यूज के खिलाफ फ्रेम करे गए हैं। अगर वो प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है तो चार्जशीट कई बार डाइल्यूट हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि अगर बहुत संगीन चार्जेस विक्टिम ने लगाए थे और पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान, या तो कह लें कि कोई लूप होल रह गया उसमें, या ठीक तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाई, या ये कह लें कि एविडेंस को मिटा दिया गया, जिसके कारण जो फॉर एग्जाम्पल अगर एक रेप के चार्जेस होने थे तो वो मोलेस्टेशन पे आके रह गए, या असॉल्ट ऑन अ वुमन मॉडेस्टी पे आके रह गए, तो उसे हम कहते हैं कि चार्जशीट डाइल्यूट हो गई बहुत। बट कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में चार्जशीट पे जो चार्जेस लगाए गए हैं वही आपके केस को टेक फॉरवर्ड करते हैं। जी ठीक है, आपसे मैं समझना चाहूंगी सर, क्योंकि अभी आपने अंशु को जी को सुना, उनका कहना है आवाना साहब कि 4 से 5 घंटे का वक्त लग गया सिर्फ FIR दर्ज करने में। सर क्या इतना अमूमन वक्त लगता है क्या? अगर अंशु की जगह कोई बड़े घराने की लड़की होती तो भी इतना वक्त लगता क्या? देखिए
देखिए उस वक्त क्या स्थिति रही वो तो मैं अब नहीं जान सकता, पर आज के हालात ये है कि अगर थाना पीड़िता ना जाना चाहे तो कहीं भी जहां भी हॉस्पिटल में है कहीं भी है पुलिस की ड्यूटी बनती है कि वहां जाके पुलिस स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके और पुलिस स्टेशन में जाने की आवश्यकता बिल्कुल। और दूसरी बात जो कोर्ट के बारे में कही, तो मैं तो खुद भी जो है आफ्टर रिटायरमेंट प्रो बोनो प्रैक्टिस करता हूँ और मैं कोर्ट में खुद देखता हूँ कि अगर कोई विक्टिम आता है महिला विक्टिम आती है तो कोर्ट की प्रियोरिटी रहती है कि वो किसी दिन उसका स्टेटमेंट ले दिन उसका क्रॉस करे और डिस्टेंस पे बैठाया जाता है बिल्कुल आमना सामने नहीं होते ना तो होल्डिंग और ना प्रोसिक्यूट, उनको अलग कमरे में बैठाया जाता है वहां से कैमरे से उसको लिंक किया जाता है आई टू आई कॉन्टेक्ट बिल्कुल नहीं होता है और हर तरह की शिक्षा देती है। और मैंने तो देखा है कि आउट ऑफ दी वे बात को कहते हैं चाहे और कोई वीकनेस है उसको वापस भेज दे, अगर प्रोसिक्यूटिंग को बुलाया तो वो उसी दिन कोशिश करते हैं कि किसी दिन उसको कॉल करें। अब बार बार इन्हें बुलाया गया ये मेरे लिए ताज्जुब की बात है, ऐसा क्यों ये नहीं होना चाहिए आज के हालात में ये नहीं होती। दूसरी एक मैं और बात बताऊंगी और फैक्ट, मैं अभी एक पॉक्सो का केस कोर्ट में लड़ रहा हूं, वो गरीब है जो मिस्त्री होता है और वो लेबर लड़की, उसकी लड़की की मां लड़की को बेचना चाहती 2 लाख रुपए, वो लड़के और लड़की के लव अफेयर था, एक मिस्त्री है और दूसरी लेबर, इस लेवल के लोग हैं वो, पर उसकी उम्र में केवल 6 महीने का फर्क था 18 साल की उम्र अटेंड करने के लिए और वो जो लड़का था वो 18 का था ये लड़की, इसके ऊपर पॉक्सो लगा। और जब वो उसको जबरदस्ती कर रही थी मां दूसरे एक बड़ी देश के आदमी के साथ बेचने की, तो वो वहां से निकली उसके पास गई और वो दोनों भाग गए और गाजियाबाद आए, गाजियाबाद आके उन्होंने एक साइड से दोनों ने मजदूरी करनी शुरू करी, उसने सब लगा दिया लगा के उसको पेश किया। अब मैं उस केस को लड़ रहा हूं और उन्होंने 164 के बयान में भी कहा कि कोई जबरदस्ती नहीं थी और हमारे पीपी साहब बड़े हुए थे मिली साहब इसमें तो केस का ही है, तो कई बार टेक्निकल कारणों से अब कायदे में उसको सजा देना बड़ी नाइंसाफी होगी उस लड़के, क्योंकि उन दोनों की रजामंदी है और कोई ऐसा काम नहीं किया, ये टेक्निकली कुछ 5-6 महीने का गैस, क्या हमें ऐसे लोगों को नहीं बचाना चाहिए। मैंने पहले उसकी कस्टडी के लिए लड़ा, मैंने कहा आपको इसकी मां को बिल्कुल ना दे, वो 18 साल की वो भी छुट्टी थी दे ही नहीं सकते थे, अरे भाई ये तो ऐसे देखने के लिए आई हुई है इसको बताओ क्या इसने लड़के ने किया। तो कई केस हमारे पास ऐसे भी आते हैं कि जिसमें उसको सजा दिलाने के चक्कर में हम अन्याय कर बैठते हैं किसी के साथ, उस लड़की के साथ भी और लड़के के साथ भी, इस केस में खुद लड़ रहा साकेत कोर्ट में। ठीक है सर, लेकिन अभी अभी हाल ही में ठीक है इस तरह के मामले भी सामने आते हैं, लेकिन जब हम मिले मिले इतना नहीं है स्पेशल कोर्ट बने हुए हैं, डॉक्टर स्वाति ने डॉक्टर मीना ने बड़े विस्तार से बातें बताई हैं, स्पेशल कोर्ट है वीमेन कोर्ट है फैमिली कोर्ट है और उसमें बड़ी तेजी से काम होता है, पहले नहीं होता। अब जो आज के लेकिन सर आज के जो आंकड़े हैं राजधानी दिल्ली के आंकड़े क्या बताते हैं सर, हर रोज 6 महिलाओं के साथ अपराध होता है रेप होता है, ये आंकड़े राजधानी दिल्ली के हैं सर। उसके 2 कारण, एक तो पहली अवेयरनेस की, सबसे पहले लोग इन बातों को छुपाते थे, रिपोर्टिंग बहुत कम थी, अभी ये रिपोर्टिंग इसलिए बढ़ गई है कि लोग आ रहे हैं, ये मतलब नहीं है कि पहले कम थे और ज्यादा हो गए, अब रिपोर्टिंग ज्यादा आ रही है और अब रिपोर्टिंग हुई है उसके हिसाब से सारी चीजें क्यों हो रही है, ये अच्छा है, ये समस्या का समाधान की तरफ पहल है, हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं।
मतलब जागरूकता की वजह से केसेस ज्यादा आ रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। ठीक है ठीक है, चलिए इसी को हम आगे बढ़ाएंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर मीना भी हमारे साथ है, डॉक्टर स्वाति भी हैं। डॉक्टर मीना का, डॉक्टर मीना मैं आपसे समझना चाहूंगी जिस बात का जिक्र ब्रेक पे जाने से पहले अवाना जी कर रहे थे, साफ तौर पर उनका ये कहना है कि देखिए अवेयरनेस ज्यादा बढ़ी है जिस वजह से मामले जो है अब सामने आने लगे हैं। पहले लोग दबा देते थे, बच्चियों के साथ इस तरह के मामले सामने आते थे तो खुलकर सामने नहीं आया जाता था, कुछ बदनामी का डर उन्हें सताता था, समाज में आखिर क्या मैसेज जाएगा ये डर सताता था। लेकिन अब लोग जागरूक हुए हैं, अवेयरनेस ज्यादा हुई है, क्या ये वजह है कि इस तरह के जो मामले हैं ज्यादा रजिस्टर्ड होने लगे हैं या ज्यादा पुलिस में जाने लगे हैं, ये वजह इसके पीछे मानती हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए मैं कहना चाहूंगी कि जो भी महिलाओं का शोषण जो होता है, जो कहीं ना कहीं वो कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पे नहीं हो रहा हो, कोई भी ऐसी एज नहीं है जिस एज की लेडी के साथ नहीं हुआ हो। छोटी सी बच्ची, 4 महीने की बच्ची को ले लो या फिर 60+ लेडी को भी देख लो जहाँ पे ऐसे केसेस बने हैं, और वो बड़ी दुख की बात है। लेकिन अब मैं अगेन एंड अगेन ये कहना चाहूंगी कि जो भी क्राइम होता है, छोटी सी भी शुरुआत होती है कहीं से भी, तो हमें उसका प्रतिकार करना या उसके स्टेप मैंने बताए हुए हैं कि फर्स्ट स्टेप है आप उस जो इंसान आपको फॉलो कर रहा है, जो इंसान आपकी मर्जी के खिलाफ आपके साथ कुछ कर रहा है, तो आप उसको वहीं से रोकने की कोशिश करिए, या तो जवान से रोकिए या फिर किसी से बात करके लिए किसी की हेल्प लीजिए। ये सब सारी चीजें करनी बहुत जरूरी होती है। एक दुख की बात ये भी कह लीजिए कि अभी की जो जनरेशन है वो कहीं ना कहीं कुछ क्राइम में, मैं सभी की बात नहीं करना चाहूंगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है इग्नोर कर देती है कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो हमें घर से जब बाहर निकलते हैं तो ये अवेयरनेस की खास जरूरत है कि पेरेंट्स और बच्चे जो भी है, घर से कोई भी निकलता है बाहर तो कम्युनिकेशन गैप कहीं ना कहीं छूट जाता है, तो पता ही नहीं होता कि बेटी अभी अभी जो दिल्ली में केसेस हुआ, जो लड़की रात को 12 बजे बाहर जाती है तो पेरेंट्स को पता नहीं है या कम्युनिकेशन है कि मैं निकल रही हूँ, मैं यहाँ हूँ, इस एरिया में हूँ। टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि हम अपने लोगों के 3-4 सेफ्टी नंबर रखने चाहिए कि हम कहाँ है, किसके साथ है, वो सब जानकारी देना रखना बहुत जरूरी है, तभी जाके थोड़ा नियंत्रण हो पाएगा। दूसरा ये कहना चाहूंगी कि ये जो सजाएं जो है वो बहुत 7 साल लगा देते हैं, सालों साल लग जाता है, ये भी कारण है जो क्राइम मेंटालिटी है उसको बढ़ावा मिलता है कि ये लोग कुछ लोग बाहर आवाज नहीं देते क्योंकि 7 साल लग जाएगा, ये हुआ है चलो दबा दो आगे बढ़ो जिंदगी में मूव ऑन हो जाओ। तो ये जो चीजें है उसको समझनी पड़ेगी क्योंकि हमारा जो जो भी लीगल सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं ये प्रोसेस ही होती होगी, लेकिन ये प्रोसेस ऐसी लेंदी हो चुकी है कि इसमें लोग इतना वेट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि एक लड़की का रेप होता है तो फिर उसका फैमिली के साथ सोशल जो लाइफ होती है वो भी एक रेप हुई जो ऐसी ही होती है, क्योंकि लोग बातें करते हैं, लोग सवाल जवाब करते हैं, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, ये सारी प्रोसेस से निकलना कोई पसंद नहीं करता है। अभी लोग थक चुके हैं तो ये लोग कभी कभी बाहर नहीं आते हैं। लोग अभी भी सोसाइटी में यही है कि एक लड़की परेशान होती है तो लोग ये समझते हैं कि हमें क्या, ये मेंटालिटी से हमें बाहर आना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जब मिक्स होगी, सरकार अपना काम करेगी, पुलिस अपना सपोर्ट देगी और फैमिली की जो मेंटालिटी, सोशल जो मेंटालिटी है वो बदलेगी, तब जाके हम कह सकेंगे कि हाँ लड़कियां सुरक्षित है। क्योंकि ये जो चीजें मिक्स एंड हो जाती है, लड़की को भी डर लगता है मैं घर आके बोलूंगी मुझे बोल देंगे कि स्कूल नहीं जाना है, कॉलेज नहीं जाना है, या फिर तुम एक काम करो वो रास्ते से ही निकलना बंद कर दो। तो ये जो चीजें जो है वो चीजें हमारे हम लोग रोकते हैं। और क्राइम जो लड़का लड़की जो लड़का क्राइम सोचता है कि मैं ये लड़की यहाँ से निकलेगी वो बंद हो गई, वो रास्ते को फॉलो करेगा। तो ये जो चीजें हैं इसमें से हमें बाहर आने की बहुत जरूरत है क्योंकि ये जो ऐसे लोगों की मानसिकता में बदलाव कैसे होगा, ऐसे लोगों की मानसिकता में बदलाव कैसे होगा जो इस तरह के आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं, क्या उनकी मानसिकता होगी और बदलाव की कितनी जरूरत आप समझते हैं? जी मैं बदलाव की 100% जरूरत समझती हूँ क्योंकि हम जब नहीं बदलेंगे, हमारा समाज, हमारा फैमिली, हमारा सोसाइटी, हम सब लोग एक एक परेशान लड़की के क्या सपोर्ट में खड़े नहीं रहेंगे
तो फिर ये चीजें बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि लड़कियां सेफ घर में भी नहीं है। मैंने ये भी केसेस देखे हैं कि छोटी छोटी बच्चियां हैं, उसके ही फैमिली के किसी मेंबर ने उसके साथ कुछ गलत किया है और वो चीज बाहर नहीं लाते हैं, और वो लोग बोलते हैं कि ये तो घर के बड़े हैं, इसको क्या बोलना। तो ये अच्छे अच्छे फैमिली में पढ़े लिखे लोग भी यही करते हैं, तो ये चीजें कुछ रजिस्टर होती ही नहीं है, बाहर ही नहीं आती है। ये बहुत सारी चीजें हमने देखी है, ठीक है। तो हम मानसिकता बदलाव होना बहुत जरूरी बिल्कुल बहुत जरूरी है, मानसिकता में बदलाव होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर स्वाति, मैं समझना चाहूंगी आपसे, इस तरह के केसेस में एविडेंस की कमी क्या अपराधियों को बचाने या फिर कम सजा देने में एक अहम भूमिका निभाती है क्या? एविडेंस नहीं मिल पाता कई बार, ये कितना बड़ा रोड़ा खड़ा करता है पीड़िता के लिए, खास तौर पर न्याय मिलने में? जैसे आपने कहा नया जी, यही है एविडेंस की कमी। अब वो एविडेंस की कमी किस कारण है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि क्या वो एविडेंस की कमी एट द इनिशियल स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो गई, उस टाइम इन्वेस्टिगेशन में कोई कमी रह गई, ठीक से फॉलोअप नहीं हुआ, इसीलिए इन्वेस्टिगेशन उस टाइम कलेक्ट नहीं हुआ, या जो एविडेंस कलेक्शन है उसकी चेन दूषित हो गई, या उसकी टाइमलाइन में कोई फर्क आ गया। अगर कोई पीड़िता है, कोई रेप सर्वाइवर है, अगर उसकी एनएलसी ठीक टाइम पे नहीं हुई, या कई केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि डिले हो उसकी एनएलसी लेने में, या कह लें कि पीड़िता ने पहले वो नहा ली इस कारण, या कहीं ना कहीं जो भी उसके सैंपल्स कलेक्ट करे गए थे वो निगरानी से हट गए, या ठीक जगह से वो एमएलसी नहीं कराई गई, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब हम यहाँ पर बैठकर एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट ये दे दें कि भाई ये सिस्टम का फॉल्ट है, तो वो भी ठीक नहीं होगा। कहीं ना कहीं अवेयरनेस की भी कमी है, क्योंकि पीड़िता को ये भी कैसे पता लगेगा, हर महिला को इसमें देखिए पढ़ाई लिखाई भी उनकी मदद नहीं करेगी। हम कहें कि एक पढ़ी लिखी महिला को पूरा ये ज्ञान होगा कि इतने घंटों के भीतर उसकी जांच हो जानी चाहिए, उसको नहाना नहीं है, उसको ये नहीं करना, वो नहीं करना, अपने कपड़ों को संभाल के रखना है, ये भी बहुत ही फार फेस्ट थ्योरी है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बहुत सारे कारण हैं जो मिला जुला के उस एविडेंस को दूषित कर देते हैं, और इस हद तक दूषित करते हैं कि फिर वो एविडेंस एक्सेप्टेबल एडमिसिबल नहीं जाता कोर्ट के सामने। दूसरा एक कारण ये भी है कि जानबूझकर एविडेंस को मिटाया जाता, उसमें अक्यूज्ड का ही जाहिर तौर पे हाथ होगा, क्योंकि वो कोशिश करता है कि सारे एविडेंस जो भी स्ट्रॉन्ग उसके खिलाफ हैं उनको रास्ते से हटा दिया जाए, या कहीं ना कहीं इस बात का भी एक बहुत बड़ा हाथ होता है कि जो सारा प्रोसेस है, जैसा हम सभी लोग डिस्कस कर रहे हैं, 6 साल 7 साल 10 साल 15 साल लग जाते हैं, इस दौरान अगर कोई विटनेस बेस्ड एविडेंस था, कोई आई विटनेस था, जब वो भी शुरू शुरू में उसको बहुत ही संवेदना होती है सर्वाइवल पे, उस टाइम तो वो कहता है हम भी हाथ बढ़ाएंगे, हम साथ देंगे, सिस्टम को बदलना है, पर जैसे जैसे समय निकलता है उसको भी परेशानियां होनी पड़ती हैं, कोर्ट में आना जाना, बार बार अपना एविडेंस अपनी स्टेटमेंट देना, वो भी परेशान हो जाता है एक हद पर, और वो कह देता है कि भाई मुझे इससे अपना पीछा छुड़ाना है, छोड़ो, या कह ले कहीं ना कहीं उसकी याददाश्त धूमिल पड़ती जाती है, उसकी स्टेटमेंट्स को आपस में ही कॉन्ट्रेडिक्ट कर करके उसका जो काफी सारी बातें होती है, लेकिन एविडेंस ना मिलना भी कहीं ना कहीं जो केस है उसको और ज्यादा ये कहा जा सकता है कि कमजोर कर देता है। और एविडेंस इकट्ठा करने का काम अवाना साहब भी तो पुलिस का होता है, पुलिस का इकट्ठा करती है एविडेंस, क्या लगता है कि इस तरह के केसेस में और ज्यादा तत्परता बरतने की जरूरत है या पुलिस को और ज्यादा सजग होने की जरूरत है, जब इस तरह के केसेस आए तो उस हिसाब से पुलिस की तत्परता उतनी ज्यादा बढ़े? दूसरी बात सर, इसका भी जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये कहा जाता है कि देखिए हर चौक चौराहों पर सीसीटीवी लगेंगे, सीसीटीवी की बात की जाती है, जब फुटेज निकालने की बात की जाती है तो वो खराब या तो सीसीटीवी मिलते हैं या फिर वहां पर सीसीटीवी लगे ही नहीं होते हैं, ये जो सुरक्षा में ये कितनी बड़ी दिक्कत होती है महिलाओं के लिए। पिंक बूथ की बात की जाती है, ये कहते हैं कि देखिए महिलाओं की तैनाती, महिला पुलिस ऑफिसर्स की या पुलिस कर्मियों की तैनाती ज्यादा की जाएगी, लेकिन क्या उतनी उस तादाद में हुई, अगर हुई तो उसका कितना प्रभाव पड़ा, ये भी थोड़ा समझाइए सर। देखिए पहली बात आपने एविडेंस की कही, जी जी, अभी डॉक्टर स्वाति ने बिल्कुल सही कहा
एक झिझक होती है शुरू में और उसके परिवार वालों, जब कोई रेप विक्टिम होता है तो वो अकेला नहीं होता, उसका परिवार भी उतना ही विक्टिमाइज होता है। तो एक चलते होता है कि हम मामला रिपोर्ट करें या ना करें, और उनके लिए जो अक्यूजर्स होता है उसमें कई दिन बीत जाते हैं, और वो जो डिले होता है उसमें जो प्रीशियस एविडेंस है वो लॉस्ट हो जाता है। मैंने ज्यादातर केस ये देखा है कि जब रेप होता है तो उसके साथ ही उसको रिपोर्ट नहीं किया जाता, डिले होता है कई दिनों का, और वो डिले उस केस के लिए फैटल होता है। दूसरी बात आपने सीसीटीवी की कही, देखिए पुलिस हर चंद कोशिश करती है और सीसीटीवी क्लिपिंग ले वहां पे हो, और ये पुलिस के हाथ में तो है सीसीटीवी इंस्टॉल करें, ये तो और एजेंसी करती है, पर एक काम पुलिस कई बार करती है अपने इलाके में, कहती है कि भाई एक कैमरा आप अपनी दुकान के लिए लगा रहे हो, अंदर लगा रहे हो, बाहर रोड के ऊपर भी लगा रहे हो, हम एडवाइस करते हैं जिससे अगर कोई घटना हो तो हमें वीडियो क्लिपिंग मिल जाए, जो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, पर हर बार ये संभव नहीं होगा, नहीं हो पाता जी, क्योंकि उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। तीसरी बात आपने पुलिस की प्रेजेंस की गई, जहां तक मैं दिल्ली के बारे में जानता हूँ, विमेन डेस्क है हर थाने, जहां पे रिसेप्शन पे ही विमेन पुलिस अफसर बैठे थे, और कोई भी रेप का केस हो उसकी इन्वेस्टिगेशन लेडी ऑफिसर ही करेगी, ये दिल्ली में है, क्योंकि जो एक बड़ा सेंसिटिव मैटर है, एक मेल नहीं समझ सकता है उस भावना को, उसका साइकोलॉजी, और पीड़िता इतने खुले तौर पे बता भी नहीं पाती है। हाँ, तो इसलिए ये व्यवस्था यहाँ पे की गई, परंतु देश के दूर दराज इलाकों में ये व्यवस्था होगी इसका मुझे बड़ा डाउट है। लेकिन सर, दिल्ली जैसे शहर में या दिल्ली जैसी राजधानी में अगर इस तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं या फिर जो आंकड़े हैं उसमें कमी नहीं आ रही है, इतने प्रयास करके भी, तो जाहिर तौर पे ये भी अपने आप में कई सवाल उठाते हैं। और ऐसे में सवाल इस बात को लेकर भी, देखिए बाकी तमाम चीजें एक तरफ लेकिन लोगों की मानसिकता एक तरफ, अगर उसमें ही बदलाव हो जाएगा तो शायद इस तरह के जो मामले हैं सामने आना बंद हो जाएंगे, या फिर इस तरह के मामले घटेंगे ही नहीं, इस तरह की घटनाएं घटेंगी ही नहीं, ताकि जो महिलाएं हैं वो अनसेफ अपने आप को महसूस ना कर सके। इस तरह के मामलों में जाहिर तौर पे सबसे ज्यादा कमी तभी आ सकती है जब लोग अपनी मानसिकता में बदलाव करें, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और पढ़े लिखे लोग जब इस तरह की हरकतें करते हैं या इस तरह के मामलों में लिप्त पाए जाते हैं तो जाहिर तौर पर वो जो दिक्कतें हैं उनकी तो बढ़ती ही है, लेकिन ये जो समस्याएं हैं वो और ज्यादा इसलिए भी बढ़ जाती है कि जब पढ़े लिखे लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो गांव देहातों में जो जिनको समझ नहीं है वो तो और ज्यादा इस तरह की हरकतों में लिप्त हो। तो जाहिर तौर पे अब यहाँ पे समझने की जरूरत है कि आखिर आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आप पढ़े लिखे हो और किस तरह से आपको समाज में अपनी भूमिका निभानी है, महिलाओं की कितनी इज्जत करनी है, कितना उन्हें सुरक्षित महसूस करवाना है, इन तमाम चीजों को समझने की जरूरत है। और ये संस्कार शायद परिवार से ही मिलते हैं, घर से ही मिलते हैं। मीना जी जल्दी से अपनी बात रखें, मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ। अभी जो बताया की बात है, तो हमारे यहाँ पे लड़का और लड़की जो पेरेंट्स को लड़का भी है लड़की भी है, हम उसकी जो उसको जो बड़ा करते हैं वो जो सिस्टम है उसमें थोड़ा बदलाव लाने की जरूरत है। लड़कियों को थोड़ा, लड़कियों तो हम सशक्त कर ही रहे हैं, पढ़ा लिखा के उसको बड़ा कर रहे हैं, लेकिन लड़के को जो है उसकी मेंटालिटी उसको बदलने की जरूरत है, वो पेरेंट्स ही कर सकते, घर से ही हो सकता है। सवाल जवाब जितना लड़कियों को कर रहे हैं उतना ही लड़कों को भी किया जाए तो सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा, कि वो लड़के को समझ में आएगा कि मैं भी कहीं आंसरेबल हूँ, क्योंकि मैन लोग जो है वो कहीं ना कहीं ऐसी मेंटालिटी में रहते हैं कि मैं आंसरेबल नहीं हूँ, जहाँ पे पेरेंट्स के साथ जो बिल्कुल इस तरह के भेदभाव की
बिल्कुल आशंका नहीं रहनी चाहिए, इस तरह के भेदभाव नहीं होना चाहिए जाहिर तौर पे। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।